चंडीगढ़ एक नया शहर है। यह शहर आजादी के बाद बसाया गया और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी तामीर से पहले कहा था कि चंडीगढ़ आजाद भारत का आईनादार होगा। माजी की रिवायतों और बंदिशों से आजाद और मुस्तकबिल में कौम के एतमाद का इजहार होगा। कुछ लोगों को लगता है कि चंडीगढ़ वो उम्मीदें पूरी नहीं कर सका जो इसके साथ वाबस्ता की गई थीं, लेकिन आम तौर पर चंडीगढ़ को आजाद, तरक्की पजीर और तरक्की पसंद भारत का एक नुमाइंदा माना जाता है। सनतों पर मुकम्मल पाबंदी की वजह से इस शहर में पोल्यूशन का कोई मसला नहीं और साफ सुथरे माहौल को पसंद करने वालों की ये पहली पसंद है। इस शहर की मनसूबाबंदी का काम आजादी के फौरन बाद न्यूयॉर्क के मशहूर टाउन प्लानर्स मेयर एंड नोविकी को सौंपा गया था, लेकिन नोविकी की मौत के बाद आलमी शोहरत याफ्ता फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ला कॉर्बूजिए ने यह काम संभाला। चंडीगढ़ वाकई नए जमाने का शहर है जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। शहर में सयाहों की दिलचस्पी के कई सारे मकामात हैं। कहा जाता है कि चंडीगढ़ का रोज गार्डन सवेरे सूरज की नित्री हुई रोशनी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है, इसलिए हमने दिन की शुरुआत जाकिर हुसैन मेमोरियल रोज गार्डन से की। सूरज काफी ऊपर आ गया था, लेकिन कुछ लोग अभी बाग में सुबह की सैर करते नजर आ रहे थे। इस गुलाब बाग को मरहूम सदर जमहूरिया डॉक्टर जाकिर हुसैन की याद में जाकिर रोज गार्डन का नाम दिया गया है। ये एशिया में गुलाबों का सबसे बड़ा बाग माना जाता है, जिसमें सिर्फ गुलाबों की तकरीबन 1500 अकसाम मौजूद हैं। हमने इस बाग में उस काले गुलाब को तलाश करने की बहुत कोशिश की जिसे क्रिएट करने का ऐलान इसी बाग के फ्लोरिकल्चरिस्ट ने कई साल पहले किया था। माली ने हमारे लिए ग्रीन रोज की निशानदेही की, लेकिन काले गुलाब की मौजूदगी से वो बाखबर नहीं था। हालांकि बाहर का मौसम अभी शुरू होने ही वाला था और अभी गुलाब भरपूर तरीके पर नहीं खिले थे, लेकिन हर तरफ पौधों और क्यारियों की बहुतात, कम फूलों के मौसम में भी बाग को पूरा पूरा जोबन बख्शती है। रोज गार्डन चंडीगढ़ के बुनियादी मंसूबे में शामिल था। यह शहर का सबसे पुराना पिकनिक स्पॉट है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ शहर में और कई दिलचस्पियां उभर आई हैं। 1982 के एशियाई खेल जब भारत में मुनक्किद कराने का फैसला हुआ तो सरकार ने आबी खेलों के मुकाबले के लिए चंडीगढ़ का इंतखाब किया। इस मकसद के लिए शहर में एक मस्नूई झील तैयार की गई। चंडीगढ़ की ये सुखना झील अब न सिर्फ शहरवासियों में बल्कि दूर से आने वाले सैलानियों में भी खासी लोकप्रिय है। बच्चे तो खास तौर पर यहां पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। चंद साल पहले एक हादसे के बाद झील में जाने वाले तमाम लोगों के लिए लाइफ जैकेट पहनना जरूरी बनाया गया है। गर्मियों के मौसम में तो यहां भीड़ कुछ ज्यादा ही होती है, खास तौर पर शाम के वक्त। चंडीगढ़ के असली आर्किटेक्ट का नाम
लोग उसी वक्त से आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगे जिस वक्त नेकचंद का रॉक गार्डन इस शहर के नक्शे पर उभर कर मशहूर हो गया। नेकचंद शहर की तामीर के वक्त रोड इंस्पेक्टर के ओहदे पर काम करते थे। उन्होंने एक अनोखा सपना देखा था, नाकारा टूटी फूटी चीजों से एक बाग की तामीर का। चंडीगढ़ की तामीर के साथ ही नेकचंद ने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए शहर में एक जगह काम शुरू करने की इजाजत हासिल की। अकेले शहर के आसपास से टूटी हुई चीजें, जिनमें बोतलों के ढक्कन, ट्यूबलाइट्स, चूड़ियां, टाइल, सैनिटरी सामान, साइकिलों के हिस्से, गरज जो चीज मिली वो, और फिर शिवालिक से जमा किए गए किस्म किस्म के पत्थर, ये सब चीजें वो अपनी बाइक पर उठा के आज के रॉक गार्डन में पहुंचा देता और आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन एक चौथाई सदी तक वो इनसे मूर्तियां उभारता रहा। तंग गलियों और रास्तों के गिर्द ये सपनों की दुनिया तामीर करने का काम नेकचंद ने शुरू में अकेले ही किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मदद आने लगी और सरकार ने फिर इस प्रोजेक्ट की सरपरस्ती की। इन भूल भुलैयों का सिलसिला अब बढ़ता ही जा रहा है। 30 साल पहले रॉक गार्डन का इफ्तिताह किया गया था, लेकिन जब से आज तक इसको और वसत मिली है। रॉक गार्डन को अब नेकचंद गार्डन का नाम दिया गया है और इस शाहकार की तामीर के सिले में उन्हें पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा गया है। नेकचंद के लिए सबसे बड़ा एजाज यह है कि उसके ख्वाबों की यह दुनिया देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग आते हैं। रॉक गार्डन से निकलते निकलते शाम होने लगी। बाहर कदम रखते ही चंडीगढ़ की हसीन रात ने हमारा स्वागत किया। हर तरफ रोशनियों का डेरा, रंगीनियों का समा। शाम ढलते ही चंडीगढ़ निवासियों की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। चंडीगढ़ ने जो तरक्की गुज़िश्ता बरसों में की है उसका सेहरा यकीनन यहां के लोगों के सर है। आज भारत के सभी बड़े शहरों में गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद ने स्मूथ ट्रैफिक तकरीबन नामुमकिन बना दिया है, लेकिन चंडीगढ़ अभी तक इस मसले से बचा हुआ है। शहर को चूंकि मौजूदा वक्त के तकाजों के मुताबिक बनाया गया है, इसलिए इसकी कई खूबियां हैं जो दूसरे शहरों में दिखाई नहीं पड़ती। और लगता है उसी तरक्की को सेलिब्रेट करने के लिए हजारों की तादाद में लोग हर रात रोशनी में डूबे इन बाजारों में आते हैं और फुर्सत के लम्हात बड़ी
बेफिक्री से गुजारते हैं। शॉपिंग के लिए भी कई सारे लोग आते हैं। फैशन की दुनिया में चंडीगढ़ का अपना एक मकाम है, लिहाजा यहाँ कपड़े खरीदें या जूते चप्पलें, क्वालिटी एकदम आला मिलेगी। और फिर एक आइसक्रीम लेकर आप जरा इत्मीनान से बैठ सकते हैं। वैनिला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, आपकी पसंद क्या है? वैसे इरादा अगर ईटिंग आउट का है तो कितने ही सारे रेस्टोरेंट्स आपकी आमद की मुंतजर हैं। वेज, नॉन वेज, चाइनीज, मुगलाई, लेबनीज, आपकी चॉइस का पूरा पूरा ख्याल है यहाँ। चंडीगढ़ निवासी अगर खुद को दूसरों से ज्यादा खुशकिस्मत समझते हैं तो ठीक ही समझते हैं। लगभग हर वो चीज जिसे दूसरे बड़े शहरों में बिल्कुल आम तरीके से ट्रीट किया जाता है, चंडीगढ़ में अलग सी लगती है। हम अभी जिसके पास से गुजर रहे हैं, एक छोटा सा बाग लगता है लेकिन असल में यह है एक राउंड अबाउट, गोल चक्कर जिसे आम जुबान में कहते हैं। चंडीगढ़ में तकरीबन हर मोड़ पर बड़े बड़े रेडियस वाले ये राउंड अबाउट्स मिलते हैं और इनको बड़े करीने से मेंटेन किया गया है, कहीं बाग बना के तो कहीं इस तरह के पार्क तामीर करके। मकसद यही है कि शहर को जो खूबसूरत होने का इम्तियाज मिला है उसे कायम रखा जाए। हम बढ़ रहे हैं मध्य मार्ग की तरफ। चंडीगढ़ की खास बात यह है कि इसे प्लान करने में, इसको तरक्की देने में तवाजुन से काम लिया गया है। जब ही तो लंबी चौड़ी सड़कों और ऊंची इमारतों वाले इस शहर में हमें हरियाली भी खासी दिखाई पड़ती है। शहर की तरक्की की जमानत यही है दरअसल कि कुदरत के वसीलों से एक करीबी रिश्ता कायम है। हम कुछ और आगे बढ़े तो आ पहुंचे राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क। पार्क अभी जेर तामीर है। जदीद दौर के तकाजों की तर्जमानी करता हुआ ये पार्क न सिर्फ चंडीगढ़ वासियों के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक नादिर तोहफा है। टेक्नोलॉजी के शोबे की कई सारी शाखों पर काम होने का मंसूबा है यहां। देर है तो बस इसके मुकम्मल होने की। फिर जाने यहां के किसी माहिर का तैयार किया हुआ कौन सा आला दुनिया में धूम मचा दे। और अब हम रुख कर रहे हैं पंचकुला का। पंचकुला में दाखिल होते ही हम जिस तरफ सबसे पहले यूं कहिए कि खिंचे चले गए वो था मनसा देवी का मंदिर। लोगों की लंबी लंबी कतारें देखकर हम सोचने लगे कि जाने हमारी बारी कब आएगी अंदर जाने की। फिर ख्याल आया कि हमें जल्दी कहाँ की है, सो मंदिर के पूरे माहौल को गौर से निहारते रहे। नवरात्रे चल रहे थे, शायद इस वजह से भीड़ ज्यादा थी। वैसे मनसा देवी के बारे में हम पहले भी सुन चुके थे कि साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, फिर क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या जवान। मुल्क के दूसरे हिस्सों से ही नहीं, बैरूनी मुल्क से भी लोग आते हैं पूजा अर्चना के लिए, हर मजहब हर जात के लोग। मनसा देवी से मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर यूं सर के बल चले आते हैं शुक्राने के लिए। श्रद्धा और आस्था का ये दिलचस्प मंजर बस देखते ही बनता है। मंदिर के साथ बने इस बाजार में पूजा की सामग्री, मंदिर में चढ़ाने के लिए छतर, दुपट्टा वगैरह
सब मिलता है। माता सती की कुर्बानी दर्शाता मनसा देवी का यह मंदिर अपनी एक खास पहचान रखता है। मंदिर की इमारत 1768 में तामीर की गई। वक्त वक्त पर इसकी मरम्मत होती रही और इसको वसत भी दी गई। मंदिर से निकलने के बाद भी देर तक एक रूहानी तासुर का एहसास होता रहा। आगे बढ़ते बढ़ते हम सिटी फाउंटेन पार्क पहुंचे। पार्क में छोटा सा तालाब भी बना है। छुट्टी के दिन ये पार्क भरा पड़ा रहता है, खासतौर पर बच्चों से। पार्क से थोड़ा आगे जाने पर हम एक दरगाह के आगे रुके। यह है नौगजा पीर की दरगाह। दरगाह पर हाजिरी देने और अपने सफर की कामयाबी की दुआ मांगने के बाद हम आगे बढ़े। पंचकुला से अब हम घग्गर नदी पर बने इस पुल के ऊपर से हम जा रहे हैं मोरनी हिल की जानिब। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो लगा जैसे हम हिमाचल में आए हैं। वही हरियाली, वही पहाड़ी रास्ता, वही ठंडी हवा। सच ही कहा जाता है कि कुदरत के नजारों का लुत्फ लेना हो तो पहाड़ पर जाना चाहिए। पहाड़ के जितना ऊपर जाएं, लगता है कुदरत के उतना ही करीब आ रहे हैं। लीजिए साहब, ये रहा मोरनी हिल, एकदम सरसब्ज शादाब। हरियाणा का बेशतर हिस्सा मैदानी है, लिहाजा मोरनी हिल पर आकर एक दिलकश चेंज महसूस होता है। मोरनी हिल पर बनी ये छोटी सी झील इसकी खूबसूरती को दुबारा करती है। आगे बढ़ने के लिए हमें और ऊपर जाना होगा, और वो भी इस कच्चे रास्ते से। मौसम खुशकिस्मती से अच्छा था, वरना बारिश होती और यहाँ कीचड़ होता तो फिर गाड़ी का आगे जाना तो तकरीबन नामुमकिन था। कच्चे रास्ते से आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए जानवरों की मंडी में। हरियाणा में माल मवेशी काफी तादाद में पाले जाते हैं, लिहाजा इस मंडी की भी अपनी खास अहमियत है। जानवर बेचने और खरीदने के लिए तो लोग यहां आते ही हैं, लगे हाथों अपना दिल भी बहला जाते हैं। वैसे हरियाणा के लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मशहूर है। जानवरों की मंडी से निकलने के बाद हम अंबाला के रास्ते आगे बढ़ने लगे। भूख जोरों की लगी थी तो सोचा पहले ढाबे पर खाना खा लेते हैं। भूख न लगी हो तो भी ढाबों से उड़ के आने वाली दाल मखनी और शाही पनीर की महक खाने का मूड बना ही लेती है। अभी हम गुजर रहे हैं एक ऐसी जगह से जो हजारों बरसों से तारीख में जिंदा है और सदियों तक जिंदा रहेगी। महाभारत की जमीन, कुरुक्षेत्र। कौरवों और पांडवों की लड़ाई ने इंसानियत के जो उसूल उजागर किए, जिंदगी के जो रास्ते बताए, वो हमेशा रहनुमा साबित होंगे। और हम आ पहुंचे हैं सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर के बारे में कहा जाता है कि इसका पानी
ब्रह्मा की नाभ से निकल कर आया है। सन्निहित सरोवर के इस कॉम्प्लेक्स में यूं लगता है जैसे हम हिंदू देवमाला का करीबी मुशाहिदा कर रहे हैं। सन्निहित का मतलब है जमा होना, यकजा होना। ऐसा माना जाता है कि सूरज ग्रहण के वक्त और अमावस को सभी पवित्र तीर्थों का पानी यहाँ जमा होता है। सारे पवित्र तीर्थ यहाँ यकजा होते हैं। सन्निहित सरोवर के बारे में पुराणों में यह भी दर्ज है कि अमावस या सूरज ग्रहण के वक्त इसमें एक डुबकी लगाने से सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। सन्निहित कॉम्प्लेक्स में कई सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं। सूर्य नारायण मंदिर, ध्रुव नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और भी कई सारे। ये है गीता उपदेश स्थल, वो जगह जहां भगवान कृष्ण ने गीता का पवित्र पैगाम सुनाया था, जो आज भी जिंदगी की अंधेरी राहों में ज्ञान की रोशनी बनके रास्ता सुझाता है। सन्निहित सरोवर के पास हम देर तक बैठे रहे। ऐसे पुरसकून लम्हात जिंदगी में रोज कहां मिलते हैं। इन्हीं पलों में इंसान को खुद को जानने समझने का मौका मिलता है, खुद से मिलने का मौका मिलता है। खैर, सन्निहित से बाहर आए तो गर्मी की तपिश ने हमें यहां जूस की दुकान पर पहुंचाया। ताजा जूस पिया तो जाहिर है ताजा दम हुए और आगे का सफर शुरू किया। और आप पहुंचे करनाल। करनाल का ये एनिमल बायोटेक मरकज अपनी नौयत का एक अहम इदारा है। मवेशियों की आला और हाइब्रिड नस्लें तैयार करने और मुल्क में दूध की पैदावार बढ़ाने में इस इदारे का खास किरदार है। करनाल से हम आगे बढ़े तो उस इलाके में पहुंचे जिस पर पिछले 400-500 वर्षों की तारीख के कई सारे नकूश मौजूद हैं। पानीपत। पानीपत में सबसे पहले हमने हाजिरी दी बू अली शाह कलंदर के मजार पर। बू अली शाह कलंदर आला पाया के सूफी बुजुर्ग थे जिन्होंने रवादारी और इंसान दोस्ती का पैगाम सुनाया। बोलिशा से बेशुमार करामात मंसूब हैं। हर मजहब, हर रंग, हर नस्ल के लोग यहां आते हैं और फैज़े रूहानी पाते हैं। दरगाह का ये पत्थर मौजज़ाती नौईयत का है। गीले कपड़े से इस पत्थर को रगड़ के
पानी सांप के डर से किसी शख्स के मुंह में डाल दिया जाए तो जहर का असर जायद होता है। मजार पर लगा ये काला पत्थर अपनी किस्म का अनोखा पत्थर है। इसी दरगाह के इहाते में उर्दू के नामवर शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली भी दफन है। मौलाना हाली सलीस जुबान में की गई अपनी शायरी और खास तौर पर अपने मुसद्दस के लिए उर्दू शेर अदब की दुनिया में बुलंद मकाम रखते हैं। पानीपत में ये दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का मकबरा है। इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल शहजादे बाबर के हाथों शिकस्त खा गया और मारा गया। इब्राहिम लोदी की फौज भारी होने के बावजूद बाबर की तोपों का मुकाबला ना कर सकी और यूं भारत में मुगल सल्तनत की बुनियाद पड़ने का रास्ता हमवार हुआ। सितम यह है कि एक अजीम बादशाह के मकबरे का हाल आज बड़ा खस्ता है। इसकी देखभाल तो बस बराए नाम है। रास्ते कुछ तो बनाने पड़ते हैं और जो बने होते हैं वो फकत चलने वालों से चलने की तलब करते हैं। हमारे सफर का रास्ता मुतायन है तो हम आगे बढ़ते हैं।